उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की गई अब्बा जान संबंधी टिप्पणी की विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है और इसे असंसदीय भाषा करार दिया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को ट्वीट कर कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा कि भाजपा की मंशा घोर सांप्रदायिकता और नफरत के अलावा किसी अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उसका सारा जहर मुस्लिमों के प्रति होगा। यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा ये दावा कर चुनाव जीतना चाहते हैं कि मुस्लिमों ने हिंदुओं के हिस्से का पूरा राशन खा लिया है। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप छाया D4C में। चलिए पूरा मामला देखते हैं। सीएम योगी ने रविवार को कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें राशन मिल रहा है और 2017 से पहले ये राशन उन्हें कहां से मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्योंकि तब अब्बा जान कहे जाने वाले लोग राशन खा जाते थे, कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीबों के राशन को हथियाने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान कहे वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने भी उन पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने योगी पर ओछी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है और कहा है कि लोगों को बांटने की यह तरकीब नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा, जिस मुख्यमंत्री को लखनऊ और कलकत्ता का भेद ना पता हो, जिस मुख्यमंत्री को भारत और अमेरिका का भेद ना पता हो, उस मुख्यमंत्री की बातों को गंभीरता से लेना गंभीरता का अपमान करना है। वल्लभ ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, अब्बा जान भाई जान करते करते हो गए सत्ता पर विराजमान, चुनाव नज़दीक आते ही वापस से शुरू कर दिया शमशान कब्रिस्तान। कोरोना के दौरान आपकी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने ली लाखों लोगों की जान, अब आपको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश गया है पहचान। उन्होंने सवाल किया, जब लोगों की लाशें गंगा मैया में तैर रही थी तब योगी जी कहाँ थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? जब उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली और मुंबई से पैदल आ रहे थे तब आप छिपकर कहाँ बैठे थे? उस समय क्या आपका शासन मॉडल था? कांग्रेस नेता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने पर अब्बा जान की याद आ गई ताकि ध्रुवीकरण हो, लेकिन इस बार यह तरकीब नहीं चलने वाली है। यूपी की जनता को ज्ञात है कि आने वाले अगले साल में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से सभी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बहाने से पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।